आदाब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अख्तर। दोस्तों, देश की तस्वीरें कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश की जा रही हैं कि यहां देश में अल्लाहु अल्लाह कवाली गाने पर बवाल मच जाता है। यहां लब पे आती है दुआ बनकर तमन्ना मेरी गाने पर पूरी तरीके से बवाल मचाया जाता है, जिसकी तस्वीरें समय समय पर सामने आती रही हैं। और ताजा तस्वीर जो है वो हिमाचल प्रदेश से सामने आई है, जहां इंटरनेशनल शिवरात्रि महोत्सव मनाया जा रहा था, जहां साबरी ब्रदर्स ने अल्लाहु अल्लाह कवाली गाई और इस कवाली पर भारतीय जनता पार्टी ने इतना बवाल मचाया कि उसकी तस्वीरें लोगों के सामने आना शुरू हो गई है। और ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो सबके साथ, सबके विकास और सबका विश्वास जीतने की बात करती है, और जब कवाली अल्लाहु अल्लाह गाई जाती है तो यही भारतीय जनता पार्टी बवाल मचाना शुरू कर देती है। और इस कवाली में ऐसा क्या हुआ कि जिससे भावनाएं आहत हो गई, हिंदू धर्म का अपमान हो गया, जिसकी तमाम बातें बताती हुई भारतीय जनता पार्टी के लोग नजर आए हैं, किस तरीके से इस पर बवाल मचा है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। हिमाचल की छोटी काशी मंडी में इंटरनेशनल शिवरात्रि महोत्सव विवादों में घिर गया है। दरअसल इस महोत्सव की स्टार नाइट की शुरुआत साबरी ब्रदर्स की अल्लाहु अल्लाहु कवाली से हुई। इस दौरान सीएम सुखविंदर सुक्खू भी मंच पर मौजूद नजर आए। शिवरात्रि की शुरुआत बीजेपी को इस कवाली के साथ नागवार गुजरी है, जहां बीजेपी हिमाचल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कवाली पर गंभीर सवाल तो जरूर उठाए हैं, मगर जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप से इस मामले पर बातचीत की गई तो वे इस पर प्रतिक्रिया देने से मुकर गए, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। जाहिर है बीजेपी इसे सोशल मीडिया पर मुद्दा तो बनाना चाह रही है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर नेता इस पर बात करने से भी बच रहे हैं। इससे बीजेपी की मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं, जो कि एक तरफ तो अलग तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ साबरी ब्रदर्स से पहले छोटी काशी में शिवरात्रि पर्व पर कई मुसलमान सिंगर और पाकिस्तान से आया जुनून बैंड भी मंडी की इस शिवरात्रि में परफॉर्म कर चुका है। इसी के साथ पाकिस्तान के मशहूर सिंगर फकीर भी छोटी काशी में प्रस्तुत दे चुके हैं। जिस देव भूमि में हिंदू आबादी 57% हो और जहां की शिवरात्रि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, जिसे छोटी काशी कहा जाता हो, वहां पर अल्लाहु अल्लाह कवाली गवा कर कांग्रेस सरकार क्या सिद्ध करना चाहती है, ये बीजेपी के सवाल हैं। जहां बीजेपी ने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप भी कांग्रेस सरकार के सर पर मढ़ दिया और माफी मांगने को कहा गया है, जहां ट्विटर में बीजेपी ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस ने कहा था कि हमने हिंदुत्व को हरा दिया है। मंडी के मंच की ये हरकत उसी का प्रमाण है। हालांकि बीजेपी ने ट्विटर में यह भी स्पष्ट किया कि हमारा विरोध किसी धर्म से नहीं, मंच से है, जहां हिंदू त्योहारों में ये किया गया है। मंडी में 7 दिवसीय इंटरनेशनल शिवरात्रि महोत्सव चल रहा है। इसकी स्टार नाइट पर साबरी ब्रदर्स के गाए अल्लाहु अल्लाहु कवाली पर कोहराम मचता दिखाई दिया। बीजेपी के ट्विटर पर लोगों की तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई और सुक्खू सरकार को हिंदू विरोधी बताने का भी प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट भारतीय जनता पार्टी तो हिमाचल की सत्ता से बेदखल हो गई है। कार्यक्रम में सीएम सुक्खू की मौजूदगी की वजह से बीजेपी इस मामले को ज्यादा तूल देती हुई दिखाई दी। प्रदेश में मतदान के बाद सीएम सुखविंदर सुक्खू ने भी कहा कि हिमाचल देश का ऐसा पहला हिंदू राज्य है जहां 97% हिंदू आबादी होने के बावजूद बीजेपी की हार होगी। उन्होंने कहा था कि बीजेपी की हिमाचल जनता भाजपा के हिंदुत्व के नारे के पीछे धकेल देगी और महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार के मुद्दे पर अपना वोट देगी।
अब सुक्खू के इसी बयान पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को घेरने का प्रयास कर रही है, जहां पर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार एवं कांग्रेस मीडिया सेल के प्रभारी ने भी इस पर तमाम पलटवार किया, जहां नरेश चौहान ने कहा कि कांग्रेस सभी धर्मों का सम्मान करने वाली एकमात्र पार्टी है, सभी को देश को जोड़ने की सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, किसी कलाकार की कला का विरोध धर्म के आधार पर करना ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी बार बार धर्म के नाम पर इस तरह की राजनीति करती है, ये वाकई देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा जो है वो हर किसी के सामने है, और भारतीय जनता पार्टी हर बार इसी तरीके से हरकतों को अंजाम देती हुई दिखाई देती है, क्योंकि कुछ दिन पहले भी उत्तर प्रदेश के बरेली से यही तस्वीरें सामने आई थी, जहां भारतीय जनता पार्टी के पाले हुए हिंदूवादी संगठनों ने एक स्कूल का सिर्फ इसलिए विरोध किया था क्योंकि वहां सुबह ये कव्वाली गवाई जाती है, लब पर आती है दुआ बनकर तमन्ना मेरी, इसमें दुआ वर्ड है, इसलिए ये हिंदू बच्चों का अपमान है, उनको जबरन ये कव्वाली गवाई जा रही है। तब कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसी तरीके से सियासत को अंजाम दिया था, और इस बार हिमाचल प्रदेश को चुना क्योंकि हिमाचल में नफरत की राजनीति को हिमाचल की जनता ने बेदखल कर दिया और इंटरनेशनल शिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया गया। जाहिर सी बात है, इंटरनेशनल मीडिया वहां मौजूद रही होगी, और जब इंटरनेशनल मीडिया की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी की इस हरकत की तस्वीरें इंटरनेशनल लेवल पर चली होंगी तो हर कोई हैरान होगा, और इनके किस्से तो हर बार इसी तरीके से छपते हुए दिखाई देते हैं, जहां बार बार ये इंसानियत को शर्मसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस पर लोग खुल करके अपनी राय रखते हैं और ये साफ शब्दों में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मात्र हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाली पार्टी बन करके रह गई है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुस्लिम नाम ना हो या मुसलमान ना हो तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कभी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए एक कव्वाली को मुद्दा बनाया, जहां अल्लाह कव्वाली गाई गई, जिस पर बवाल मचाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा जारी है। हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ रूबरू कराता रहूंगा, दीजिए इजाजत, शुक्रिया।